केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और राज्य सरकार की राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने फतेहपुर में वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम पर वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जनपद फतेहपुर में 48,53,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य है। वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज परिसर में फलदार पौधे रोपित किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि व्यक्ति के जीवन के लिए रोटी के समान वृक्ष भी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष लगाने व सुरक्षा का संकल्प लेना चाहिए। के जीवन के लिए जितना रोटी जरूरी है उतना ही वृक्ष भी जरूरी है। अभी आपने देखा कोविड के समय ऑक्सीजन जब कम होने लगा तो इतनी मारामारी पड़ी। ये जो वृक्ष हैं ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल तो देते ही हैं, ऑक्सीजन दें, लकड़ी दें, छाया दें, सब कुछ देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक वृक्ष लगाएंगे और उसकी सुरक्षा भी करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लगाया होगा जिसके फल आज हम खा रहे हैं। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी तो कम से कम जैसे पूर्वजों ने हमें दिया वो धरोहर हम अपने पीढ़ी को भी दे सकें। ये देखो वृक्षारोपण का महाअभियान है जिसका शुभारंभ आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज किया है। उसी क्रम में आज फतेहपुर में माननीय सांसद जी के साथ में आज हमने यहाँ पे दीदी के साथ में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया है और ये संदेश दिया है कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, और जब उपयोगी हैं तो उनको लगाना, उनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। 35 करोड़ का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में लगाने का, तो उसमें हम लोग वृक्ष लगाएं और वृक्षों को बचाएं। इस क्रम में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं और अभी 15 अगस्त तक ही चलेगा, 5 करोड़ 15 अगस्त को हम लोग लगाएंगे। तो यही संदेश हम लोग दे रहे हैं कि पौधे लगाएं और पौधे की देखरेख भी हम लोग करें।